नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। टेस्ट योरसेल्फ का पार्ट नंबर 4 है और आज जो टेस्ट होगा तो वो आपका साइंस का होगा। कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, कितने आपके सही हैं, इन सब प्रश्नों में आपको ये देखकर पता चलेगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और पहला क्वेश्चन है, मशीन गन का आविष्कार किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में। जेम्स पकल साहब के बारे में बात करेंगे, तो मशीन गन का आविष्कार जो है वो आपका जेम्स पकल द्वारा ही किया गया था। 1667 से लेकर 1724 तक जीवित थे। एक अंग्रेज आविष्कारक हैं, वकील हैं और लेखक थे। 1718 में इन्होंने एक बहु शॉट गन का आविष्कार किया जिसे आपका मशीन गन कहा जाता है, इसीलिए इसे इन्हें आपका मशीन गन का पिता कहते हैं। जो आपका जेएल बेयर्ड हैं, जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का, कार्ल बेंज के बारे में अगर बात की जाए तो कार्ल बेंज ने पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किया था। तो इसका उत्तर जो है जेम्स पकल है। जेएल बेयर्ड के बारे में यहाँ पे बात हो गई, कार्ल बेंज के बारे में यहाँ पे बात हो गई। चलिए एक ही क्वेश्चन से आपको देखिए 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो मिलेंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्मोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। थर्मामीटर या फिर थर्मोस्कोप एक ही चीज़ होती है। इसका आविष्कार जो है इटली के प्रसिद्ध भौतिकविद गैलीलियो साहब ने किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 3rd होगा, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। अब बात करेंगे विश्व की विशालतम दूरबीन के बारे में। तो दिसंबर 2010 का समय था। दिसंबर 2010 में निर्मित आइस क्यूब दूरबीन विश्व की विशालतम न्यूट्रिनी दूरबीन है। अंटार्कटिका में स्थित इस दूरबीन का जो डिज़ाइन है वो आपका विंस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका आइस क्यूब होगा, मतलब 2nd ऑप्शन इसका सही होगा। आजकल जो प्रश्न बनने की प्रकृति है वो चेंज हो गई है और प्रश्न जो बन रहे हैं वो इस प्रकार से बन रहे हैं जैसे आपके सामने हैं, मिलान करने के लिए। ठीक है, तो टाइपराइटर के बारे में अगर बात की जाए तो टाइपराइटर का जो आविष्कार है वो सोल्स ने किया था करीब 1867 में। एक्स किरणों के बारे में अगर बात किया जाए, एक्सरे के बारे में बात किया जाए, तो इसका आविष्कार विलियम रॉन्ज़ेन ने किया था 1895 में। रेडियो के बारे में बात किया जाए तो रेडियम का आविष्कार जो है जी मार्कोनी साहब ने किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए सेफ्टी लैम्प के बारे में, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है वो आपका डेवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले इसके ऑप्शन जो है सही है वो आपका ए ऑप्शन सही है, मतलब ए इसका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें आपके 4 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए, तो एक एक क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर इसी तरह से होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबल पुरस्कार का सह विजेता था? तो इसके बारे में बात करें तो भौतिक वैज्ञानिक और रसायन वैज्ञानिक विलियम हेनरी ब्रेग ने 1915 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। अपने पुत्र के सहयोग से उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया तथा इस संयंत्र की सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों के विन्यासों को स्पष्ट किया। उम्मीद है उत्तर आपको आ गया होगा, विलियम हेनरी ब्रेग इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करने वाला फिर से आ गया है। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात करेंगे, तो जॉन गुटेन बर्ग प्रिंटिंग प्रेस से मिलान करना है। एक्सरे के बारे में रोइंजन, अभी ये लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया ही है। डायनमो अगर बात की जाए तो माइकल फैराडे साहब डायनमो के आविष्कारक रहे हैं। और टेलीफोन के बारे में आपको पता ही होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो ये इसका सही उत्तर होगा। इसका जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन है, मिलान करना है आपको डी ऑप्शन के साथ मिलान करना है। चलिए तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चंस जितने भी थे, तो 7 से 8 रहे होंगे। तो धीरे धीरे आपकी ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और जिस हिसाब से आप लोग इस चीज़ को जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे वो उतनी जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंसी में बढ़ती जाएगी। और अब धीरे धीरे डेली ही आपकी टेस्ट योरसेल्फ के जो पार्ट हैं वो अपलोड होते रहेंगे, क्योंकि लगातार आपके पेपर होते रहते हैं कोई ना कोई। तो टेस्ट योरसेल्फ का जो पार्ट है वो लगातार आपका बढ़ता रहेगा, लगातार चलता रहेगा और नए नए इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। चलिए फिलहाल इस
वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।